हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स, इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स, मोमेंटम क्या रहेगा, ऑप्शंस के अंदर कौन सा जैकपॉट प्रॉफिट बन सकता है, कल के लिए रेंज बाउंड रहेगा, कैसे हमें प्रॉफिट बुक करने मिल सकता है, इन सब के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को, इस चैनल को देख रहे हैं, एक बार उनको बताना चाहूंगी, इस चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर कल क्या हो सकता है इसके बारे में आपको वीडियो के थ्रू जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर ये जो एनालिसिस है, ये पूरा का पूरा टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और ऑप्शन चेन एनालिसिस करके आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, मोमेंटम कैसे रह सकता है, सारे ग्लोबल फैक्टर्स, ग्लोबल न्यूज, सारी डोमेस्टिक न्यूज आपको यहाँ पर बताए जाते हैं ताकि आपको नेक्स्ट डे के लिए हेल्पफुल हो सके। तो ये हमारा एनालिसिस इन सब पे बेस होता है। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आती जाए। और इसी यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम फ्री चैनल है जिसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। तो वहां पर लाइव मार्केट में जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहती है, इम्पोर्टेंट न्यूज रहती है, इम्पोर्टेंट मोमेंटम रहता है, अगर एक कैंडल ऐसी बनती है जिसके बाद मार्केट का मोमेंटम चेंज होने वाला है तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स, सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आपको तुरंत मिलनी इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन होना होगा ताकि वहां पर जो मैसेजेस आते हैं उसका आपको फायदा हो सके। और उसके साथ साथ वहां पर एक डेली आपको फ्री एजुकेशनल ट्रेड भी मिलता है जो आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ट्रेड्स, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि वहां पर कैसे आपको फायदा हो सकता है। तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको एक फिक्स इनकम हो, इनकम अर्न करने मिल जाए, इसके साथ साथ रिस्क भी कम हो, ऑप्शंस के अंदर पूरा नॉलेज भी मिल जाए, तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली सिर्फ 2000 रुपये का जो चार्जेस है वो पे करना है और सारी डिटेल्स आपको वहीं पर टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी मेरे फ्री चैनल के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल आपको ट्रेनिंग चाहिए, पर्सनली आपको मैसेजेस चाहिए ऑप्शंस के रिगार्डिंग, या फिर आपको गाइडेंस चाहिए कि ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए भी मेंबरशिप प्लान है जो आपको वहीं पर मिल जाएगा फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। कुछ भी डाउट है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मैंने वहां पर प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग अलाउ है, कॉलिंग अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे वहां पर सीधा डीएम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो निफ्टी 50 ने आज हमें एक गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई है और निफ्टी जो है वो 25,000 से नीचे जाकर भी बंद हुआ है। तो मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था कि निफ्टी, देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी लेकिन आज कुछ खास मोमेंटम दिखाई नहीं दिया। मॉर्निंग में कुछ 10-20 पॉइंट्स का ही सी साइड में मोमेंटम हुआ, उसके बाद में मार्केट पूरा कंसोलिडेशन मोड में चला गया, रेंज बाउंड में चला गया और कुछ भी प्रॉफिट बाद में बना नहीं। और अभी भी देखें तो 24,971 के पास आकर बंद हुआ है। तो आज निफ्टी के अंदर गिरावट हुई, निफ्टी ने 25,000 का लेवल ब्रेक किया। अभी एक गिरावट की बात करें तो देखिए निफ्टी ने यहां से गिरावट दिखाई है 25,200 के पास से। पिछले बारी भी देखा है हमने कि दो बारी ये हुआ है कि निफ्टी ने यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। यहाँ पर भी देखे तो निफ्टी ने काफी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर लिया है। तो ये 25,200 का लेवल जो है वो निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम आगे भी कर सकता है। अभी हमें करना क्या है, एक तो 25,200 के पास से गिरावट देखने को मिली है
ऊपर से 25,000 का सपोर्ट जो साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट था वो भी टूट चुका है। अभी निफ्टी के अंदर बचा क्या है, तो निफ्टी के अंदर अभी जो लेवल बचा है वो सीधा 24,850 और 800 का बचा है। लेकिन अगर मैं देखूं तो अगर 25,000 निफ्टी क्लेम रिक्लेम नहीं करता है, यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पाता है, तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो हमें इस लेवल के पास जाता हुआ नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देगा, यानी कि कल के एक्सपायरी के अंदर निफ्टी के पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने मिल सकता है। या फिर अगर निफ्टी 25,050 और 24,950 इस 100 पॉइंट्स के रेंज में अगर रहता है, तो इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसमें सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। ये नो ट्रेडिंग रेंज है और इस रेंज में सिर्फ ऑप्शन बायर्स का पैसा जाएगा और वही ट्रैप होता है ऑप्शन सेलर्स का, राइटर्स का, आज भी वही देखने को मिला। तो इस रेंज से बाहर ही निकलने के बाद ट्रेडिंग होगी। अगर निफ्टी 50 24,950 से नीचे चला जाता है 10 से 15 मिनट के लिए, तो सीधा पुट साइड में एंटर कर लेंगे। 24,850 830 का नेक्स्ट टारगेट निफ्टी 50 का रहेगा। अगर 25,050 से ऊपर बढ़ जाता है तो फिर से 25,150 200 के तरफ बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो नो ट्रेडिंग रेंज है उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, जो लेवल्स अभी बताए हैं उसी में आपको ट्रेडिंग निफ्टी 50 के अंदर करनी है। बाकी अगर मैं देखूं तो निफ्टी के अंदर जो ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स है, जिसमें कि एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि काफी दिनों से एकदम ठंडा चल रहा है या फिर कह सकते हैं गिरावट के साथ चल रहा है, तो इस शेयर के अंदर अगर एक तेजी देखने को मिल जाती है तो कुछ अच्छी बात हो सकती है। लेकिन रिलायंस के जो शेयर्स हैं वो काफी दिनों से, मतलब 10 से 12 दिनों से हमें डाउनग्रेड ही दिख रहे हैं। और इसका जो रीजन है वो ये तो है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो साइक्लिक डाउनग्रेड की सीरीज से अभी गुजर रहा है। अर्निंग डाउनग्रेड के कारण जो स्टॉक का प्राइस है वो काफी नीचे जा रहा है, और अगर इसमें कुछ अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है तो कुछ बात बन सकती है। और इतना बड़ा स्टॉक है कि इसको जो कंट्रोल है वो HNI भी नहीं कर सकता है, और इसमें जो है पार्टनरशिप देखने इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अभी फिलहाल कम होती दिख रही है और इसके कारण इस शेयर का प्राइस जो है वो गिर रहा है। और यही कारण है फिलहाल निफ्टी भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कुछ स्टॉक्स है जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी है, तो उसमें भी अगर तेजी आती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग बात कर लेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी ने भी आज एक रेंज बाउंड सेशन दिखाया, ज्यादातर के 51,900, 51,880, 850, 950, 52,000, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और 52,000 के ऊपर की बात करें तो 52,000 के ऊपर तो सस्टेन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज भी 52,030 से रिटर्न मारा है निफ्टी बैंक ने, तो ये तो क्लियर हो गया है कि निफ्टी बैंक के लिए 52,000 का रेजिस्टेंस है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो एक रिवर्सल फॉर्मेशन है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से गिरावट हुई थी, सॉरी यहाँ से जो रिवर्सल आया था 50,000 के करीब से, वो यहाँ तक मिला है 52,000, 2,000 पॉइंट्स की रिवर्सल रैली हो चुकी है। अभी देखें तो निफ्टी बैंक के लिए 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी बैंक 52,050 से ऊपर निकलता है तो एक फास्ट यानी कि क्विक रैली होगी टुवर्ड्स 52,300-400। तो जैसे कि मैंने आज भी एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी बैंक के अंदर ये रैली देखने को मिल सकती है जिसमें सी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट बनेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर ये रैली कल देखने को मिलती है, अगर 52,050 का लेवल निफ्टी बैंक होल्ड रखता है फिर से एक बार अगर चढ़ जाता है इस लेवल के ऊपर, तो एक अच्छी खासी अपसाइड की रैली हो सकती है जिसमें सी साइड में जैकपॉट प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन अगर कल के सेशन में 51,750 700 टूटा तो आंख बंद करके पुट साइड में एंटर कर लेना, क्योंकि निफ्टी बैंक फिर सीधा 51,500 के तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी बैंक के अंदर भी जो लेवल्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, उन्हीं लेवल्स पे ट्रेडिंग करना है। 51,850 और 950 इस बीच में निफ्टी बैंक के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये नो ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी बैंक के लिए। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयर.